इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ की पुलिस लाइन में। पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर चल रहा है। आगरा जोन के अलग अलग जनपदों के खिलाड़ी यानी कि जो पुलिस में मौजूद हैं वो खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं। सभी के द्वारा इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया गया। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, ये वो खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा अलग अलग जिलों का नाम रोशन किया गया। सभी से बातचीत करेंगे किसके द्वारा कौन सी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया गया, साथ ही कितने किलो वजन में उनके द्वारा मेडल जीता गया यानी कि जीत हासिल की है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। कौन सी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया? और पावर लिफ्टिंग में लिया था। कितने? 105 किलो वाला था मेरा, तीसरा स्थान था। कौन से जिले के रहने वाले? जिला फिरोजाबाद। क्या कहेंगे जो प्रतियोगिता चल रही है पुलिस की तरफ से उसको लेकर? ना, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छे संपन्न हुई है, बहुत खुशी है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम है लीलाधर प्रताप सिंह और इटावा का रहने वाला हूँ मैं, और मथुरा पोस्टिंग चल रही है अभी हमारी, और यहाँ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुई है जिसमें हमारा दूसरा स्थान आया है। टोटल मैंने 520 केजी उठाया है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा यहाँ रहा है। और क्या क्या करते हैं आप? बॉडी बिल्डिंग? जी हाँ, मैं वेट लिफ्टिंग से हमारी स्टार्टिंग हुई थी, वेट लिफ्टिंग करता हूँ और अब जो है प्रेजेंट में बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ मैं। बॉडी बिल्डिंग जिसमें कि इंडिया पुलिस तक गया हूँ मैं, वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग दोनों में। क्या कहना चाहेंगे अन्य पुलिसकर्मियों के लिए? जी, सभी को यही कहना चाहते हैं कि स्पोर्ट में आप आइएगा जिससे कि स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, और गेम तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो चलता रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से सही पुलिस वालों को गेम में जुड़ना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं थाना इंग्लास में पोस्टेड हूँ, जनपद अलीगढ़ में, रहने वाला आगरा का हूँ मैं। और इस बार मैंने पावर लिफ्टिंग में प्रतिभाग किया है 120 केजी वेट वर्ग भार में, और मेरा द्वितीय प्लेस है। और इससे क्या कहना चाहेंगे, अब से पहले किस तरह की प्रतियोगिता में आपके द्वारा हिस्सा लिया गया है? मैंने पिछले साल बॉडी बिल्डिंग में हिस्सा लिया था जिसमें मेरा अंतर जनपद प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल था, और जो ऑल यूपी होती जोन की प्रतियोगिता होती है उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। और मैंने कप्तान साहब से, अपने अलीगढ़ के जो कप्तान साहब हैं उनके सामने पेश होकर उन्हें एक सलाह दी थी कि थानों में, सभी थानों में सभी जो पुलिस वाले हैं उनके स्वास्थ्य को दृष्टि का रखते हुए एक जिम का आयोजन किया जाए। तो कप्तान साहब ने हमारे रिक्वेस्ट पर हमारे थाना इंग्लास में एक जिम का उद्घाटन किया है, जिम खोली है हमारे यहाँ पर, और ऑल यूपी में एक थाना इंग्लास है जिसमें जिम है, और कहीं पर भी जिम नहीं है ऑल यूपी में। क्या कहना चाहेंगे खिलाड़ियों के लिए? खिलाड़ियों को मैं कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, और जो जितने पुलिस वाले हैं अपना नौकरी करते करते अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर वो जिम नहीं कर सकते हैं थोड़ा टहल लें या रनिंग कर लें, कुछ भी मतलब करते रहें, अपने स्वास्थ्य को बहुत, सबसे पहला हमारा धन स्वास्थ्य होता है। जी बिल्कुल, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, क्या कहेंगे? नमस्ते, मेरा नाम उमंग चौधरी है, मैंने 120 केजी भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पावर लिफ्टिंग में, और मैं पिछले 4 सालों से लगातार फर्स्ट ही आ रहा हूँ जी, और इससे पहले कबड्डी में भी रह चुका हूँ, ऑल इंडिया प्लस क्लोज भी रहा हूँ। आज जो प्रतियोगिता चल रही है उसमें क्या मेरा प्रथम स्थान है 120 केजी भार वर्ग में? हाँ, ओपन में। जी बिल्कुल, सर से बातचीत करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की प्रतियोगिताएँ चल रही हैं, कहाँ कहाँ के प्लेयर यहाँ पर आ रहे हैं, और जो प्रतियोगिता चल रही है उससे खिलाड़ियों के मनोबल में किस तरह का देखने को मिलेगा? एक तो जो ये 15वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतर जनपदीय जनपद की पुलिस प्रतियोगिता है, इसमें पुलिस के जवान प्रतिभाग कर रहे हैं, जहाँ पर पूरे आगरा जोन से जो पुलिस के जवान हैं खिलाड़ी हैं वो आए हैं। और क्योंकि खेल जो है आपसी एकता, सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारा का जो प्रदर्शन करता है, उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा प्रदर्शन ये हो कि ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ हैं वो अपने ज़िले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ज़िले के ये आइकॉन हैं। ये उन पुलिस विभाग में इससे एक मैसेज जाएगा कि जो सबसे अच्छा जो ज़िला होगा, ये मैसेज ये जाता है कि सबसे ताकतवर और मजबूत ज़िला है इसी खेल के माध्यम से। और इसमें ये प्रतियोगिता 3 दिन तक चलेगी जिसमें योग का भी मुकाबला है, इसमें एक बड़ी तादाद में बच्चियां भी इसमें हिस्सा ले रही हैं, और ये इसमें इसके बाद इसमें इनको आगे भी जाने का मौका मिलता है। अभी जो अंतर जनपदीय है, फिर प्रदेशीय होगा, फिर राष्ट्रीय लेवल पर होगा, और इससे इन लोगों को जो जॉब यहाँ पे कर रहे हैं, जो नौकरी में रह के काम कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं, इससे इनको काफ़ी कुछ इनको फ़ायदा भी होता है अपनी नौकरी में प्रमोशन के टाइम में। क्या कहेंगे सर, खिलाड़ियों की अगर बात कही जाए तो स्वास्थ्य रहना सबसे ज़्यादा एक अहम मुद्दा रहता है? हाँ, तो खिलाड़ी क्या करना चाहिए?
खिलाड़ी के लिए देखिए अगर स्वस्थ रहने के लिए और खेल, खेल एक माध्यम है जो स्वस्थ रहने का एक बेहतरीन माध्यम है, क्योंकि अगर स्वस्थ नहीं होगा तो खेल नहीं पाएगा। और पुलिस या फोर्स में ये सबसे मेन खास चीज़ है कि जो स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए और इसमें सबसे बड़ा मैं बड़े गर्व करूँगा और फख्र करूँगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने सिर्फ ये नहीं कि पुलिस सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है, बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और एक नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सभी खेलों में कोई न कोई मकाम और स्थान प्राप्त किया है, और उत्तर प्रदेश सरकार भी खिलाड़ियों के लिए खासकर जो सबसे बड़ा फ़ायदा कर रही है वो ये कि हर खिलाड़ी में जो भी ओलंपिक या एशियाड में मेडल दे रहे हैं उनको डायरेक्ट सीओ रैंक से यानी गेस्टेड ऑफिसर रैंक से उनकी भर्ती कर रही है, और कई ऐसे खिलाड़ी हैं पुलिस में जो सीओ रैंक पर हैं और खेल के माध्यम से ही वो इसमें आए हुए हैं और अपना नौकरी भी कर रहे हैं और साथ साथ जो है अपना अपने खेल को ही बढ़ा रहे हैं, देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है, खासकर आम जनता के साथ साथ खिलाड़ियों के लिए, जिसको लेकर बताया जाता है जिस तरीके से अलीगढ़ में जो प्रतियोगिता चल रही है लगातार जो पुलिसकर्मी है वो अपनी प्रतिभा का हुनर यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लगातार प्रतियोगिता में तमाम तरीके के जो खिलाड़ी हैं अलग अलग जनपदों से यहाँ हिस्सा ले रहे हैं और अपनी प्रतिभा का हुनर दिखा रहे हैं। लगातार प्रतियोगिता चल रही है, अलग अलग जनपदों से यहाँ पर खिलाड़ी पहुँच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ SSP के द्वारा तमाम तरह के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए तमाम जो प्रोत्साहन के रूप में इनाम राशि भी दी जाती है, वहीं अलीगढ़ के कोतवाली इगलास में एक जिम भी लगवाई गई है। उसकी वजह है सुनील नाम के जो पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा उत्तर प्रदेश एक इनाम हासिल किया था, जिसको लेकर एक जिम की सौगात जो है कोतवाली इगलास को मिली थी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।